सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। इस टाइम में जो ब्रीडिंग सीजन है वो टॉप पे चल रहा है, मतलब हर पक्षी के लिए जो ब्रीडिंग सीजन है काफ़ी फेवरेबल होता है। इस ब्रीडिंग सीजन में आपको किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ब्रीडिंग सीजन में समस्या होती है वो होती है एग बाइंडिंग की। एग बाइंडिंग का मतलब होता है कि पक्षी के अंदर अंडे का अटक जाना। उस अंडा किन कारणों से अटकता है, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नगेंद्र यादव। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक सुना है, एग बाइंडिंग इन बर्ड्स, पक्षियों के अंदर अंडे का अटक जाना, वो किन कारणों से होता है, उन सभी कारणों की चर्चा करूँगा मैं। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये किन किन कमियों के कारण होता है, या क्या डाइट में कोई ऐसी कमी होती है कि जिसकी वजह से होता है, क्या बर्ड्स को सिलेक्शन करने में हम कहाँ गलती करते हैं जिसकी वजह से हमें आगे चलकर ये एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ जाती है। यदि आपने छोटे पक्षी की पेयरिंग कर दी है, यानी अर्ली एज में जो है पेयरिंग कर दी है, क्योंकि आपको पता है कि अर्ली एज में जब पेयर बना देते हो, बर्ड्स ब्रीड तो कर देते हैं लेकिन मैच्योर नहीं हो पाते, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते। बर्ड्स मीटिंग भी कर लेते हैं, बर्ड्स के अंदर एग फॉर्मेशन भी आ जाता है, लेकिन कम उम्र की वजह से कई बार क्या होता है, उम्र कम है और अंडे का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। जानवर चाह कर भी पुश उस अंडे को बाहर पुश नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, बर्ड्स इतना परेशान हो जाता है कि वो अंडा बाहर नहीं आता। यदि हमने उसके ऊपर ज़रा सी भी नज़र हटाई और यदि हम केयरफुल होके बर्ड्स के सिम्टम्स को वॉच नहीं कर पाए, या हमने बर्ड्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ये कंडीशन ऐसी होती कि बर्ड्स पेन की वजह से कई बार, क्योंकि बर्ड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अंडे को प्रेशराइज करके बाहर निकाल सके, यदि किसी कारण से अंडा बाहर नहीं आता है तो इस कंडीशंस में बर्ड्स की डेथ भी हो जाती है। उसका डेथ होने का रीजन्स क्या होता है कि बार बार प्रेशर लगा रहा है लेकिन अंडा बाहर नहीं आ रहा। उस कंडीशंस में बर्ड्स इतना थक जाता है कि थक के वो बिल्कुल निढाल होकर के पिछले जो उसके जो दोनों लेग पैरालिसिस बड़ी कॉमन होती है, क्योंकि क्या होती है, अंडे के प्रेशर लगने के कारण बार बार जो लेग्स की जो नर्व्स होती हैं वो दब जाती हैं वहाँ से, और बर्ड्स में पैरालिसिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यानी आपका बर्ड्स एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है कि वो वहाँ से रिकवर नहीं कर पाता है। इसलिए जब भी ब्रीडिंग का सीज़न है तो यदि आप अपने बर्ड्स को केज के अंदर रेगुलर वॉच करते हैं, जब वो बैठा रहता है तो ये देखिए कि कहीं वो टेल बॉबिंग तो नहीं कर रहा, अपनी पूंछ को बार बार ऊपर नीचे तो नहीं कर रहा। उसका जब अंडा देने वाला तो बर्ड्स का नीचे से जो एब्डोमेन है फूल जाता है, यानी वो जस्ट एक या दो घंटे में एग देने वाला, तो उस कंडीशन देखिए कि स्टमक जो है नीचे से पेट फूला हुआ है, वो अंडा बाहर क्यों नहीं आ रहा है। बर्ड्स आपका रेस्टलेस तो नहीं है, एक कोने में जाकर के बैठ तो नहीं गया, ये सब सिम्टम्स होते हैं जो कि एग बाइंडिंग के बाद बर्ड शो करता है। और इन सिम्टम्स को मैं जरा सा एक बारीक नज़र से हमें देखने की ज़रूरत होती है, तो हम तुरंत इस समस्या को यदि हम यहीं पकड़ लेते हैं तो हम उसको उसी स्टेज पर उसी लेवल पर करेक्ट करके हम बर्ड्स का अंडा निकाल करके बर्ड्स की लाइफ को भी बचा सकते हैं। यदि बर्ड्स में एग बाइंडिंग होती है तो आप गौर से देखेंगे कि आपका जो पक्षी है, जो परचेज आपने बना रखी होती है, यदि आपका बर्ड्स परचेज पर बैठा, देखिए उसका बैलेंस प्रॉपर नहीं बन पाता है, क्योंकि बार बार प्रेशर लगा रहा हो अंडे को बाहर निकालने के लिए, उसका बैलेंस ना बनने की वजह से आपका बर्ड्स जो है बार बार लड़खड़ाना शुरू कर देता है, परचेज के ऊपर से एक बार नीचे भी गिर जाता है, या परचेज के ऊपर भी एक जगह से दूसरी जगह बार बार मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो पेन वाली स्थिति में है और अपने पेन को कम करने के लिए मूव करना शुरू कर देता है। इसलिए बर्ड्स पर नज़र रखिए और तुरंत यदि आप खुद से एक्सपर्ट हैं तो आप खुद से उसकी बर्ड्स की हेल्प कर सकते हो, वरना आपके नज़दीकी कोई भी वेटनरी डॉक्टर है अपने बर्ड्स को तुरंत ले जा करके, आप वेटनरी डॉक्टर की हेल्प ले करके उसमें क्या करते हैं, हम कई बार क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स लगा करके वेंट वाले हिस्से में एग को धीरे धीरे पुश करके बाहर निकाल देते हैं। यदि किसी कारणवश लुब्रिकेंट से नहीं निकलता है तो हम बर्ड्स को लोकल एनेस्थीसिया देकर वेंट में सर्जरी कट के द्वारा हम एग को बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार हम बर्ड्स की लाइफ को भी सेव कर लेते हैं, बर्ड्स का जो एग है उसमें जो एक लाइफ पनप रही है, मतलब एक छोटा बच्चा है, उसकी भी लाइफ को बचा लेते हैं। अब बात आती है कि बर्ड्स में ये एग बाइंडिंग होती क्यों है, अंडा क्यों अटक जाता है। यदि एक तो मैंने पहले बताया था एज डिफरेंस बर्ड्स में, यानी स्मॉल एजेस में पेयरिंग आपने लगाई है उस एजेस में आपका बर्ड्स कंसीव कर लेता है या मीटिंग पेयरिंग बन जाती है और अंडा देता है, उस एज में एक एग बाइंडिंग का सबसे बड़ा रीज़न ये है।
दूसरा, यदि आपके बर्ड्स, क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स की बॉडी में जब अंडा बनता है उस दौरान बर्ड्स की जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट 2 to 3 times मोर उसकी बॉडी को कैल्शियम चाहिए होता है, और आपके पक्षी के शरीर में कैल्शियम बिल्कुल भी नहीं है, कैल्शियम डिफिशियंसी पहले से ही है, तो ऐसी कंडीशंस में बर्ड्स क्या करता है, जो बोन्स का कैल्शियम स्टोर होता है उसको खींच करके एग फॉर्म बन करता है। लेग में कमजोरी आ जाती है, पैरों में कमजोरी आ जाती है, एग तो बन जाता है कैल्शियम उसमें, इसमें कई बार क्या होता है एग का जो छिलका होता है ऊपर का, कैल्शियम डिफिशियंसी जो छिलका होता है ऊपर का वो भी काफ़ी पतला होता है, और जब बात आती है कि एग मैच्योर होता है उसको बाहर ले करने का टाइम आता है, बर्ड्स की जो मसल्स होती हैं वहाँ पे उसको पुश करने के लिए वो ऑटोमेटिक वर्क नहीं करती है, क्योंकि बर्ड्स में इतनी जान नहीं रहती कि उसको प्रेशर लगा करके उस अंडे को बाहर निकाल सके। कैल्शियम डिफिशियंसी है, डाइट में आपने कैल्शियम दिया ही नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या है, मसल्स में भी कैल्शियम की कमी होने की वजह से जो मसल से प्रॉपर प्रेशर नहीं लगा पाती। यदि आपके बर्ड्स ओवर फैटी, आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स के अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपने उनको डाइट में सीड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दी जिसकी वजह से जो है फैट डिपॉजिट हो जाता है। ओवर फैटी होने का भी एक रीजन होता है कि आपके बर्ड्स में इतना ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है कि बर्ड्स चर्बी ज़्यादा चढ़ गई है, तो उस कंडीशंस में भी जो है एग को प्रॉपर बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता। तो ओवर फैटी होना भी बर्ड्स का जो है एक एग बाइंडिंग का भी एक मेन बड़ा रीजन होता है। इसलिए बर्ड्स की रेगुलर एक्सरसाइज कराते रहिए, उनकी डाइट में ऐसी चीज़ें कम दीजिए जिससे फैट डिपॉजिट हो, यानी बर्ड्स जो है दुबले पतले जितने हेल्दी रहेंगे उतना ही जो है एग को इजीली बाहर पुश कर सकेंगे। अब बात आती है यदि एग बाइंडिंग का कोई सिम्टम्स आ गया है तो उसका क्या उपाय, यानी उसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए ट्रीटमेंट इसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हो कि आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हो, आपके नियरेस्ट जो भी डॉक्टर, फटाफट डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कीजिए, उस एग को किसी भी तरीके से आप उसको बाहर पुश करके निकालने की कोशिश कीजिए। इसमें खतरा क्या होता है, यदि आप खुद से आप एक्सपर्ट नहीं हो और उस अंडे को निकालने की कोशिश करते हैं, यदि वो अंडा अंदर ही रप्चर हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि बर्ड्स के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसका अगर छोटा सा भी कोई एग का जो वे मटेरियल है वो अंदर रह जाता है तो वो अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर, बर्ड्स आगे चल के उसमें रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, इन फ्यूचर आपका बर्ड्स कंसीव ही ना करें, एग ना दें। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें, हमेशा डॉक्टर की हेल्प लेकर के, यदि डॉक्टर क्या करता है यदि अंडा टूट भी जाता है उस पूरे पोर्शन को अंदर से क्लीन कर देता है, अंडे का एक एक टुकड़ा पूरा क्लीन करके वहाँ पर उसको हाइजीन कर देता ताकि इन फ्यूचर में कोई उसको रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर उसको देखने को ना मिले, कि कंसीव में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। बर्ड्स की डाइट में आप जितना कैल्शियम देंगे उतना बर्ड्स के लिए हेल्दी होगा, क्योंकि बर्ड्स की जब मसल्स मजबूत होंगी, टांगे मजबूत होंगी, तो बर्ड्स को जो है एग पुश करने में इजी हो जाएगी। इसलिए बर्ड्स की डाइट में हमेशा ब्रीडिंग के दौरान, ब्रीडिंग से पहले भी हमेशा एक्स्ट्रा 2 to 3 times मोर कैल्शियम आप उसकी डाइट में ऐड करें। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि बर्ड्स में यदि एग बाइंडिंग हो जाए किन कारणों से होती है, उन कारणों का जिक्र किया है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं उसका भी मैंने इस वीडियो के अंदर जिक्र किया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा एग बाइंडिंग का जो वीडियो है पसंद आएगा। इसके अलावा यदि आपको बर्ड्स की एग बाइंडिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपका बर्ड्स कंसीव नहीं कर रहा है बार बार पेयरिंग चेंज करने पे, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 9811061861। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपने बर्ड्स का फोटो वीडियो शेयर करके मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज आप ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।